एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस किचन विद ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है यूट्यूब पे, सो आप लोग भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हस्बैंड खाना बना रहे, रोज ही बनाते हैं, अभी रोज का रूटीन है उनका, तो सुबह से लेके रात का घर का काम करने से लेके खाना बनाने से लेके सब वही करते हैं। सो आज का जो रेसिपी है ड्राई फिश का रेसिपी है। ड्राई फिश है पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, मिर्ची, टोमेटो, आलू और प्याज का पत्ता, इस सबको चॉप कर लिया है और मैं उनको रेसिपी बता के दे रही हूँ कैसे बनाना है। सो इग्नोर द कढ़ाई, क्योंकि पहले एक कढ़ी बनाया है हस्बैंड ने जो कि हम लोग ने आपको आप लोगों को नहीं दिखाया वो रेसिपी। सो अभी देख सकते हो तेल गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे हबी ने जो ड्राई फिश है वो ऐड कर लिया है और उसे अच्छे से मिला रहे। ड्राई फिश अच्छे से पक चुका है, अब ऐड करेंगे प्याज और इसे अच्छे से मिला लेंगे। प्याज ब्राउनिश होने के बाद ऐड करेंगे लहसुन और मिर्ची और अच्छे से मिला लेंगे। अब ऐड करेंगे प्याज का पत्ता और इसे अच्छे से मिलाएंगे। फिर ऐड करेंगे पत्ता गोभी और आलू, फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर लास्ट ऐड करेंगे टोमेटो। अब ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक फिर ऐड करेंगे मसाले। इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होंगे, ओनली हल्दी और धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी ढक देंगे। तो सब्जी ऑलमोस्ट पक चुका है। आप यहाँ देख सकते हो मैंने एक बाउल पे चने भिगो के रखे हैं। मैं किशमिश, कुछ काजू और कुछ बादाम, लाइक 2 आलमंड मैं भिगो के रखूँगी ताकि मैं इसे सुबह ब्रेकफास्ट के पहले खा सकूँ। तो ये मेरा रोज का डेली का रूटीन है, मैं रात को भिगो के रख देती हूँ और सुबह ब्रेकफास्ट के पहले इसे खाती हूँ। और ये जो किशमिश काजू और बादाम है ये मैंने ऑनलाइन से परचेस किया है फ्लिपकार्ट से, और ये जो गोल्डन गेट है ये हस्बैंड ने कैंटीन से लेके आए हैं, तो मेरा कुछ दिन से ऐसा ही जा रहा है। और मैं आपको बोलती रहती हूँ मेरा तबीयत ख़राब है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि क्यों मेरा तबीयत ख़राब रहता है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ, काम ऐसा ही चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जो साग है, इस साग को बोलते हैं बथुआ, ये साग मैं अभी कट कर रही हूँ, चॉप कर रही हूँ, तो मैं इसका भी एक रेसिपी बनाऊँगी। तो हस्बैंड ने तो पहले से ही वो ड्राई फिश का एक रेसिपी बना लिया, तो मैंने सोचा ये मैं बना लूँ। तो ये जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा ईजी वे में बनता है और बहुत खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और अभी आप देख सकते हो जो ड्राई फिश का जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हमने प्लेट पे निकाल लिया है। देखने से बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है, खा के ही पता चलेगा कितना कैसा बनाया हस्बैंड ने। तो अभी देख सकते हो तेल गर्म हो चुका है, तो ये जो लहसुन है इसे मैंने चॉप कर लिया है। मैं ये जो रेसिपी है, जो साग का जो रेसिपी है, इसमें मैं कुछ ऐड नहीं करूँगी। आप देखो मैं इसे कैसे बनाती हूँ। तो लहसुन जो है ब्राउनिश होने के बाद मैं इसमें जो साग है वो मैं ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी। इसमें 3 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, तो आप देखिए
तो पानी सूखने के बाद मैं इसमें मिर्ची जो है वो चॉप करके डाल लूंगी। तो आप देख सकते हो ये मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, आप देख सकते हो, जो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो अंडे है वो मैंने डाल लिए, ऐड कर लिए। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, मिक्स करते रहना है, करते रहना है, इसे मतलब चलाते रहना है, एकदम चलाते रहना है, तभी जाके ये रेसिपी तैयार होगा। तो अब देखिए बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ मतलब ऐड करने का भी ज़रूरत नहीं है, हल्दी भी ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है बस। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये एक टाइप का एग भुजिया है, तो इसमें मैंने जो साग है वो मैंने अलग से ऐड किया है, तो ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए बन चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। पहले तो मैं टाइम टू टाइम अपना वीडियो अपलोड करती थी, ब्लॉग का वीडियो 2-3 दिन छोड़कर मैं अपना वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, ऊपर से तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आप लोग समझ सकते हो, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मैं कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई थी, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तो और भी मतलब सारा बर्डन मतलब हस्बैंड पे ही आ गया, तो उसी वजह से वीडियो बनाना तो दूर की बात है। तो ये वीडियो तो काफ़ी पुराना वीडियो है जो कि मैंने काफ़ी पहले शूट किया था और मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। सो अभी तो कहीं बाहर जाना भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी बस हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, ऐसा आना जाना हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो हस्बैंड जो है वो अभी बर्तन वगैरह क्लीन कर रहे हैं और किचन वगैरह साफ़ करके अभी हम लोग सोने जाएंगे। तो ये रोज का रात का रूटीन है जो कि मैं पहले करती थी, अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, 1 मंथ हो चुका है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो अभी हस्बैंड सब करते हैं, अभी बर्तन वगैरह क्लीन करेंगे, किचन वगैरह क्लीन करके पोछा मार के हम लोग सोने जाएंगे। तो यही रात का रूटीन है हम लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग्स पसंद आ रहा है, तो मुझे काफ़ी व्यूज़ लाइक्स आ रहे हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना सपोर्ट बना के रखिए। आपको मैं हर तरीके का ब्लॉग दिखाती रहूँगी, अपलोड करूँगी, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो सो और एक बात जो कि मैं आपको बोल चुकी हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि मेरा तबीयत क्यों ख़राब रहता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए कि क्यों मेरा हर दिन तबीयत ख़राब रहता है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तबीयत दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा है, बस यही है, मैं एडमिट भी थी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी।
आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो वीडियोस को लाइक, सपोर्ट एंड शेयर कीजिए एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट अ नोटिफिकेशन ऑन योर फोन। सो टिल देन बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।